@9 काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स। व्यूअर्स, हु इज अ हीरो? अवर जवान्स फाइटिंग ऑन द बॉर्डर और दीज क्लाउन्स गेटिंग पेड फॉर डूइंग रोल्स? आप किसे हीरो मानते हैं? ये आज फाइनल कर लेने का दिन है। आप विक्रम बत्रा को हीरो मानते हैं जो कहते थे कि वो वापस जरूर लौटेंगे, या तो तिरंगा फहराने के बाद या फिर तिरंगे में लिपट कर। उन्होंने दोनों वादे निभाए। पाकिस्तानियों से पीक 5140 को वापस लेने के बाद, तिरंगा फहराने के बाद वो तिरंगे में लिपट कर वापस लौटे। या फिर आप उसे हीरो मानते हैं जो घर वापस लौटते वक्त शराब के नशे में बेघर लोगों को कुचल देता है। आप किसे हीरो मानते हैं? शहीद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को, जो कारगिल वॉर में खुद ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानियों के बंकर में घुस गए और उनकी सेना को मार गिराया ताकि आप शांति से अपने घरों में सो सके, ताकि आप सिक्योर रहे, या फिर आप उसे हीरो मानते हैं जो सिक्योरिटी को अपनी जेब में रखता है? आप किसे हीरो मानते हैं? लेफ्टिनेंट मेजर कुमार पांडे को, लेफ्टिनेंट मेजर बलवंत सिंह को, मेजर राजेश सिंह अधिकारी को, मेजर विवेक गुप्ता को, जिन्होंने अपने खून का आखिरी कतरा देश के नाम कर और शहीद हो गए। या फिर आप उन्हें हीरो मानते हैं जो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, क्रिमिनल हैं, पैसों के लिए तुच्छी हरकतें करते हैं? किसे हीरो मानते हैं? दर्शकों, यह सवाल इसलिए है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट की एक तस्वीर आई है जिसमें सलमान खान को एक सीआईएसएफ के जवान ने रोक लिया और फिर उस सीआईएसएफ के जवान की जमकर तारीफ हो गई और अब उस जवान का फोन ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, लेकिन मेरा कहना है कि सीआईएसएफ के जवान की तारीफ करने से पहले हमें सलमान खान को उधेड़ना चाहिए। वी हैव टू टेयर हिम अपार्ट, क्योंकि वो जवान अपना काम कर रहा था और काम करने को लेकर कैसी प्रशंसा। दोस्तों, सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां एक वीए, दर्शकों, वी ग्रेड सिंगर लाइक आदित्य नारायण तक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को धमकी देता है। बी ग्रेड सिंगर, दोस्तों, फिर भारत ही एक ऐसा देश है जहां ये सो कॉल्ड हीरो लाइक ओमपुरी जी कहते थे कि कौन कहता है इन युवाओं से कि आर्मी ज्वाइन करो, कौन कहता है इन युवाओं से आर्मी ज्वाइन करो। दोस्तों, भारत ही ऐसा देश है जहां ये सो कॉल्ड हीरो लाइक आमिर खान कहते हैं कि मेरी बीवी कहती है कि इस देश में डर लगता है, बाद में वही बीवी अलग हो गई। दोस्तों, सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां ये सो कॉल्ड बॉलीवुड बिगीज हीरोइन बनने मुंबई आई लड़कियों का फायदा उठाते हैं, उनको लालच देते हैं। इस बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर, इस बॉलीवुड की डर्टी ट्रिक्स, इस बॉलीवुड की डर्टी सोच, इस बॉलीवुड की डर्टी एरोगेंस सबको एक्सपोज करेंगे, सबको, बिकॉज द नीड्स टू बी एक्सपोज। दर्शकों, मेरा सीधा साफ एक कहना है कि जो तस्वीरें एयरपोर्ट से आई, ऐसी ही तस्वीर कल मुंबई से आई थी जहां पर एक डायरेक्टर एक महिला के साथ अनर्गल हरकतें कर रहा था एंड बोथ आर हैप्पी, क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको मिल रहा था और उस महिला को वहां पर एक रोल चाहिए था एंड दे वर डीलिंग। लेकिन ये कितना बुरा है उन लड़कियों के लिए जो सच में एक सपना देखती हैं हीरोइन बनने का और फिर उनका सामना ऐसे लोगों से होता है। दर्शकों, जिस तरीके से जो माहौल सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे लोगों ने अब बना दिया, ये दर्जन भर लोग जो पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करके बैठे हैं, दे हैव द मोनोपोली और वो लोग अब इस इंडस्ट्री को रन करते हैं। इन लोगों की वजह से दोस्तों कई लोग अपने सपने को साकार नहीं कर पाते। सलमान खान की जो एरोगेंस का वीडियो सामने आया है वो दिखाता है कि ये लोग अपने आप को, अंग्रेजी में जिसको पब्लिक फिगर कहते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन इनको लगता है कि पब्लिक फिगर का जो हिंदी उच्चारण है उसका मतलब होता है पब्लिक से अलग, मतलब आप आम लोग हैं, जो आप अभी मुझको सुन रहे हैं आप आम लोग हैं, आप अपनी जेब से 200, 250, 300, 400 रुपए खर्च करके इनकी फिल्में देखते हैं
और फिर ये लोग आपको अपने से अलग मानते हैं। आप नौकरी करके आए, इस वक्त घर पर बैठे हैं, पसीने से लिप्त वो शर्ट है, हाथ में मोबाइल है और आप सलमान खान की फिल्म देख रहे हैं और वो वहां सोच रहा है कि आप आम है, आम है, आम जिसको कभी भी चूसा जा सकता है और वो वीवीआईपी। वो अगर छुट्टी मनाने भी जा रहा है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। आप इमरजेंसी केस में भी कहीं जा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा, क्योंकि सामने वो जा रहा है जिसकी आप फिल्म देखकर उसको स्टार बनाकर बैठे, आप जिसके कहने पर शर्ट पहनते हैं, जिसके कहने पर आप एक कंपनी की पैंट पहनते हैं, जिसके कहने पर आप चश्मा पहनते हैं, जिसके कहने पर आप अंडरवेयर तक पहनते हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं? ये तस्वीरें सामने, सलमान खान तो सलमान खान, लेकिन हंसी तब आती है जब 2017 में एक सिंगर का नालायक बेटा आदित्य नारायण एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से कहता है कि तुमको बताऊंगा, तुम वहां हो, क्या बताओगे भाई, कौन है ये बी ग्रेड सिंगर कौन है ये? एंड सलमान खान सीधे जाएंगे, सिक्योरिटी को हाथ नहीं लगाएगी, इनके तन मन धन में हर जगह वीवीआईपी 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 घुस चुका है, क्योंकि आप लोगों की ये सब करतूत है। कोरोना काल में आप लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे, सलमान खान नहीं, वो बैठा हुआ था फार्म हाउस में। वो फार्म हाउस में तमाम फीमेल एक्ट्रेसेस थी, तमाम उसके दोस्त थे, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ यू। मैं सलमान खान को इस मामले में गलत नहीं बता रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि सीआईएसएफ के जवान की तारीफ हो रही है, क्यों? वो तो अपना काम कर रहा है। सलमान खान की बुराई होनी चाहिए, सलमान खान को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। आप सिक्योरिटी सरपास करेंगे, यू आर अबव द लॉ और व्हाट? नो वन इज अबव द लॉ इन दिस कंट्री, दैट्स व्हाट माय कॉन्स्टिट्यूशन सेज। और दर्शकों, सलमान खान एज आई रीड ऑन विकीपीडिया सेज ही इज अ सुपर स्टार। तो अगर सलमान खान सुपर स्टार है, और जैसा कि आजकल कई नेताओं के, कई एक्टर्स के पीआरओ बहुत ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं मुझको और फिर बाद में मेरी टीम को मैसेजेस करते हैं, दे नीड टू लिसन। सुपर स्टार सलमान खान से कहिए कि वो ऐसे काम करे कि वो नाजीर बने, लोगों के सामने आए, लोग उनसे कुछ सीखें, ना कि ऐसे काम जिससे लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट। बाकी सलमान ने क्या कुछ किया, सलमान खान ने क्या कुछ करने की कोशिश की है, सलमान खान की क्या गलती है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सलमान खान के पूरे नाटक की, पूरे ड्रामे की, पूरे एरोगेंस की, पूरे वीवीआईपी यू नो माइंडसेट की ये तस्वीरें देखिए, और अपने आप जो आप घर पे बैठकर ठंडी चाय पी रहे हैं उसको फेंक दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जिसने 250-300 रुपए खर्च करके उसके दिमाग में ये वीवीआईपी रेसिज्म डाला है। आप ये रिपोर्ट देखिए। आज के भारत एट नाइन में हम बात करने जा रही हैं माया नगरी के उस काले सच की, जहां नशा है, पागलपन है, तेवर है और खुद को आम लोगों से अलग समझने का घमंड है। बॉलीवुड के इस काले सच के दर्जन भर रहनुमा है जो इस इंडस्ट्री पर राज करते हैं। कल जहां हमने मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की असली वीडियो का पर्दाफाश किया था, तो आज हम मशहूर एक्टर सलमान खान के उस वीडियो पर बात करेंगे जो खूब चर्चा में है। दरअसल वीडियो पपराजी हैंडल ने साझा किया था, इसमें सलमान एयरपोर्ट पर जाते दिख रही थी। वीडियो के हवाले से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि सलमान को एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवान ने रोक दिया। मामला गुरुवार रात का बताया जा रहा है।
एक्टर मुंबई से रशिया के लिए निकले थे। रशिया में उनकी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग होनी है। राधे योर मोस्ट वांटेड के बाद सलमान की बहुप्रतीक्षित फिल्म है। टाइगर 3 का निर्माण यशराज फिल्म्स कर रहा है। इसमें सलमान के साथ कटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी हैं। टाइगर स्पाई एक्शन फ्रेंचाइजी है। अब तक फ्रेंचाइजी में 2 फिल्में आ चुकी हैं और दोनों बेहद कामयाब साबित हुई थी। वीडियो में एक्टर एयरपोर्ट पर कार से उतरते हैं और उनके आसपास थोड़ी भीड़ नजर आ रही है। एक्टर सीधे एयरपोर्ट में घुसते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान CISF का एक जवान संभवतः सिक्योरिटी चेक के लिए सलमान को कुछ इशारे करता है। इसी घटना के आधार पर बताया जा रहा है कि सलमान को जवान ने एयरपोर्ट पर रोक दिया। CISF इस जवान की खूब तारीफ हो रही है। जवान की तारीफ उसकी अपनी ड्यूटी के लिए हो रही है, ठीक है, लेकिन इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। ये कर्मचारी का सही तरीके से ड्यूटी करना खबर बन रही है। अच्छा यह होता कि कोई कर्मचारी सलमान या उन जैसे दूसरे हाई प्रोफाइल लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने की सलाह ना देता, बल्कि हाई प्रोफाइल लोग खुद नियमों को फॉलो करते हुए कतरबद्ध नजर आने चाहिए। दुनिया के बड़े देशों में तो लगभग ऐसा ही होता है। एक हमारा ही देश है जहां मशहूर या पब्लिक फिगर होने का मतलब पब्लिक से अलग होने से लगा दिया जाता है। यहां सड़कों पर भी VVIP लिखा होता है। यहां पर तमाम जो पार्किंग के एरियाज हैं वहां भी VVIP लिखा होता है और ऐसे में उन्हें आम लोगों से अलग कर दिया जाता है और उन्हें ढील मिलने लगती है या वो लेने लगते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में राशन की दुकान से लेकर अस्पताल, मंदिर, रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक VIPs के लिए अलग यानी स्पेशल व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ VIP होने का मतलब है चीजों का सुलभ हो जाना। ना तो उन्हें अस्पताल में पर्ची कटानी है और ना ही एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजरना है। VIP को ना तो इंतजार करना है और ना ही कतार में खड़ा होना है। कुछ शहरों में तो बाकायदा VIP रोड तक बना दिए गए हैं। जहां VIP सड़कें नहीं हैं, वहां आम लोगों के आवागमन को रोककर सड़कों को VIP बना दिया जाता है ताकि महामहिमों की यात्रा निर्बाध पूरी हो सके। VIP भले ही छुट्टियां मनाने निकला हो, उसे कहीं रोका नहीं जाएगा। रोके वो लोग जाएंगे जो अस्पताल जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए घर से निकले हैं या कोई और जरूरी काम करने के लिए निकले हो। आम लोगों की परेशानी से किसी का कोई फर्क नहीं। यही वजह है कि कभी कभार जब सलमान जैसों को रोक लिया जाता है तो वो खबर बन जाती है। लेकिन खबर ये होनी चाहिए थी कि उन्हें रोका ही क्यों गया। आखिर ऐसी क्या चीज है, जहां तक बात फिल्मी सितारों या दूसरे पब्लिक फिगर की है तो उन्हें भीड़ से बचाना है और उनकी सुरक्षा का मसला माना जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ इसी बिना पर किसी VIP के लिए बेसिक प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया जाएगा। दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट और PM भी बाजारों में बिना तामझाम के घूमते दिख जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, सार्वजनिक जगहों पर भी उनका व्यवहार सामान्य ही नजर आता है। महज पब्लिक फिगर होने की वजह से किसी को इतनी ढील देना क्या उन सामान्य नागरिकों का अपमान नहीं माना जाए जिनका योगदान देश के लिए किसी भी अन्य नागरिक से कम नहीं है। आखिर वो भी तो अपने संसाधन और पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में ही लगा हुआ है। वो नियम से चलता है, सिक्योरिटी चेक जैसी चीजों के लिए घर से घंटों पहले निकलता है और कतारों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। पब्लिक फिगर्स को चाहिए कि वो ऐसे सार्वजनिक मौकों पर नाजीर पेश करें ताकि एक ऐसा सिस्टम बने जहां सामान्य और हाई प्रोफाइल लोग नागरिक अधिकारों के मामले एक दूसरों के साथ बराबर खड़े नजर आए, एक ही व्यवस्था में कोई विशेष उपलब्धियों की वजह से अलग ना दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो सलमान खान की कहानियां जो हैं वो कुछ कम नहीं है। कहानियों का तो जैसे समंदर है। ये एक्टर बाद में है, पहले ये कंट्रोवर्सी किंग है। और पता नहीं क्यों दर्शकों इस कंट्रोवर्सी किंग को भारत में सुपरस्टार माना जाता है। दर्शकों एक बात बहुत क्लियर है कि जो विदेशी कंट्रीज हैं वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आम लोगों की तरह घूमते नजर आ सकते हैं, लेकिन भारत में पता नहीं कौन सी सोच की बत्ती काम करती है कि एक्टर्स खुलेआम कंट्रोवर्सीज करते हैं। और आज
सलमान खान का एक एक कच्चा चिट्ठा, सलमान खान की एक एक कहानी मेरे पास, और सलमान खान की एक एक कहानी आपको बताता हूं। सलमान खान ये वो शख्स जिन्होंने बताया जाता है कि एक्ट्रेस, एक मशहूर एक्ट्रेस के ऊपर हाथ तक उठाने की कोशिश की। इन्होंने एक मशहूर एक्टर पर बदतमीजी की, उन पर दबाव बनाया। एक मशहूर एक्ट्रेस पर इन्होंने एक पार्टी के दौरान शॉर्ट ड्रेस पहनने को लेकर हाथ उठाने की कोशिश की, उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की, और वहां करीना कपूर मौजूद थी, उन्होंने उनको बचाया। दर्शकों, सलमान खान ने जाकर जयपुर में दो ब्लैक बक्स को मारने का इन पर इल्जाम है। दो ब्लैक बक्स, इनके ऊपर केस चलता है, सालों साल केस चलता है, और आखिर में जो पट्टी बांध के बैठे, हमारा कानून, मैं यहां जजेस के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट्स के ऊपर टिप्पणी करने की, हमारी समीक्षा करने की हमारी स्वतंत्रता है। तो समीक्षा करते हुए मैं एक सवाल दर्शकों आपसे करना चाहता हूं कि क्या ब्लैक बॉक्स ने खुद को गोली मारी? ब्लैक बॉक्स की मौत क्या सलमान खान के किसी पुतले ने कर दी थी, या फिर ब्लैक बॉक्स को सपना आया और सलमान खान उस सपने में जाकर ब्लैक बॉक्स को मार दिया, जिस वजह से कोर्ट्स को कोई सबूत नहीं मिला? ऐसा है क्या दर्शकों? ये कौन सा कल्चर है जहां पर एक सेलिब्रिटी को, एक पॉलिटिशियन को, एक सुपरस्टार को, एक VVIP को न्याय यूं मिलता है? और अगर आप गरीब हैं, आप आम इंसान हैं, आप यूं ही कोई छोटे शहर के लोग हैं, तो अगर एक 151 का भी मुकदमा हो गया ना, तो रात भर जेल में कटेगी, और दोपहर में जब तक बेल नहीं मिल जाती, 3 बजे तक 4 बजे तक वहीं से छूटोगे। दर्शकों, ये भारत देश है, इकलौता ऐसा देश है जहां पर पूरे देश में आप किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR करा दीजिए, सब स्क्वैश हो जाती है विद इन डेज आवर्स। और अगर एक आम आदमी पर एक छुट भैया से FIR हो जाए, तो उस आम आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 4 सिपाही जाते हैं, 4 सिपाही जाते हैं, बाइक पर बैठा के उसे लेकर आते हैं थाने तक, लेते हैं और फिर जाने देते हैं। ये वो देश है। दर्शकों, सलमान खान खुलेआम ऐसी हरकतें करते रहे हैं, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी जो है वो अपनी जेब में पड़ी एक लाइटर लगती है, जिस अकड़ के साथ, जिस धमक के साथ सलमान खान, मैं कहूंगा तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें जो आपके सामने आने वाली है, इन तस्वीरों में देखिएगा आप कि किस धमक के साथ सलमान खान एयरपोर्ट के अंदर घुसते नजर आते हैं, और फिर वो अंदर जाते हैं, उन्हें CISF वाला रोकता है। ये तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सलमान खान किस धमक के साथ अंदर घुसते नजर आ रहे हैं, और CISF का एक जवान इनको रोकता है, तो वहां पर चौक का माहौल बन जाता है, सब चौक जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ी चीज हो। दर्शकों, हम आप सब, हम लोग भी ऐसे एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, और सिक्योरिटी चेक कराना हमारे लिए अनिवार्य है, और इसको हम भी अनिवार्यता मानते हैं, लेकिन सलमान खान जैसे लोग जो महिलाओं पर हाथ उठाते हैं, ब्लैक बॉक्स को मारते हैं, दारू पी के गाड़ी चलाकर लोगों को कुचलते हैं, एक एक्टर को सरेआम धमकी देते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स को वो इंटरव्यूज देते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं, ये है सलमान खान।
अकड़, धमक, एरोगेंस सब कुछ है इनके पास। प्लीज टेक मी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ये अकड़, धमक, एरोगेंस सब कुछ है इनके पास, क्योंकि ये है सो कॉल्ड सलमान खान हीरो। मेरा हीरो नहीं है, माय हीरो इज विक्रम बत्रा। मेरा हीरो विक्रम बत्रा है, मेरा हीरो सलमान खान नहीं है। मेरा हीरो अभिनंदन है, मेरा हीरो सलमान खान नहीं है। दर्शकों, घटना आम थी, महज थी, रोजाना होती होगी। इस घटना पर पूरा एक प्रोग्राम करने का मेरा सिर्फ यह मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि सलमान खान इतनी अकड़ के साथ जो अंदर जाता है वो इस वजह से जाता है क्योंकि उसके ऊपर आज तक कोई कानून का डंडा चला ही नहीं। आप एक बात सोचिए, सलमान खान को 5 साल की सजा हुई थी एक्सीडेंट के मामले में, जिसमें 5 लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, एक अब्दुल था, अब्दुल की टांग टूट गई थी, आज तक लंगड़ा के चलता है। लेकिन बाद में पता लगा कि सलमान खान ने बोल दिया कि नहीं, मेरा ड्राइवर अशोक वो चला रहा था गाड़ी। बस लोअर कोर्ट 5 साल की सजा देती है, ऊपर वाली कोर्ट कहती है 22 बरी। इतना बड़ा फासला क्यों भाई? पहले 5 साल की सजा होती है और उसके कुछ महीनों बाद यूं चुटकी बजाते ही सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 22 बरी। पूरा देश इस पर मीम बनाता है, गंभीरता से सोचता नहीं है कि एक एक्टर नशे में चूर, एरोगेंस में चूर, 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जेल नहीं होती, 22 बरी। 2 ब्लैक बक्स को मार देता है, जेल नहीं होती, 22 बरी। महिला एक्ट्रेसेस पर तमाचे जड़ता है, जेल नहीं होती, 22 बरी। एक एक्टर को धमकी देता है, आके मारूंगा तुझको अभी, विवेक ओबराय से कहता है, जेल नहीं होती, 22 बरी। पाकिस्तानी मीडिया से कहता है कि 26/11 ये बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है, क्योंकि यहां पर एलाइट क्लास है, कोई कुछ नहीं करता, देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलता, बाइज्जत बरी। अपनी मूवी को ट्रेंड प्रमोट करते वक्त कहता है कि जब वो वार्म अप कर रहा था तब वो फील कर रहा था जैसे कोई रेप पीड़िता फील करती है। कोई आउटरेज नहीं, बाइज्जत बरी। ये जो चीजें हैं, These are hypocrite. ये हिपोक्रेसी है और ये हमारे लिए शर्मनाक है। जब सड़क पर चलते हो, गिरते हो ना, तब कहते हो गड्ढे हैं इसकी वजह से गिर गए, और जब वोट देने जाते हो तो देखते हो जात का कौन सा नेता है। किसी भी एक्टर को बिना एक्टिंग के सोचे समझे उसको सर पर बैठाते हो, उसको इतना एरोगेंट बनाते थे हो कि अगर वो कुछ करे, एक्टिंग करे ना करे, वो तो हीरो है, उसकी मूवी तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कमाएगी कमाएगी। और फिर कहते हो देखो, ओ माय गॉड, सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी। कल को सलमान खान अगर आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे तो भी मीम बनाना बैठकर। सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नहीं बोला, पाकिस्तानी एक्टर्स जब फिल्म के लिए यहां आते थे तब बोलता था, तब यही सलमान खान कहता था कि मत रोको इन्हें, आने दो, ये कलाकार है, इनको आने दो, माहिरा खान को आने दो, फैजल को आने दो, अफजाल को आने दो, सबको आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। और जब हमारा सुशांत सिंह राजपूत चला गया तब कुछ नहीं बोला। दर्शकों, दे आर हिपोक्रेट्स। सलमान खान ने आज जो सिक्योरिटी ब्रीच की है, कोशिश की है, उसके बाद जो सीआईएसएफ के जवान ने उनको रोका और याद दिलाया कि भाई इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, सिक्योरिटी चेक कराओ फिर जाओ, उसके बाद उसका फोन छीन लिया गया, यह शर्मनाक है। वो अपना काम कर रहा था, उसकी कोई प्रशंसा की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, दुनिया के करोड़ों लोग अपना काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, नेम देम, शेम देम।
दिस इज ऑल फॉर टुडे। और ये कोई सलमान खान की बात नहीं थी, दिस इज नॉट अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन, दिस इज अबाउट अ पर्सन हु इज कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर, हु इज अ हिपोक्रेट, हु इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, नेम एंड शेम, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड टेक केयर। कल मुलाकात होगी, धन्यवाद।